गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट इज इंग्लिश रीडर। बेटा आर चैप्टर थर्ड इज़ गोइंग ऑन एंड वी हैव कंप्लीटेड हाफ पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थर्ड। सो गेट रेडी क्विक बेटा, टेक आउट योर बुक्स। सी बेटा, दिस वन वी हैव कम्प्लीटेड ऑलरेडी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सी वॉट इज गिवन ऑन दैट पेज, अपोजिट्स। अपोजिट्स क्या होते हैं? ये बेटा एक पेयर ऑफ वर्ड्स होता है जिसका डिफरेंट मीनिंग होता है, दोनों वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है एक दूसरे से। देखो अभी समझते हैं कैसे। अ हेयर इज टिनी एंड एलिफेंट इज ह्यूज। हेयर जो होता है वो टिनी यानी छोटा होता है और एलिफेंट जो होता है वो बड़ा होता है, ह्यूज यानी विशाल होता है। ठीक है, टिनी मीन्स छोटा और ह्यूज मीन्स विशाल। अ हेयर इज फास्ट, अ टॉर्टोइज इज स्लो। हेयर जो होता है वो तेज चलता है और जो टॉर्टोइज होता है वो स्लो होता है। सो आपको समझ आया? ऐसे पेयर ऑफ वर्ड जिनका कि डिफरेंट मीनिंग होता है एक दूसरे से, वो क्या होते हैं? अपोजिट्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग सच एज टिनी ह्यूज, फास्ट स्लो, अप डाउन, हाई लो आर कॉल्ड अपोजिट्स। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपोजिट्स। समवन आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपोजिट, यू कैन गिव दिस डेफिनेशन। ओके, आप ये डेफिनेशन बता सकते हो। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज, राइट द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स इन द ब्लैंक, यूज द पिक्चर क्लूज इफ यू नीड दैम। आपको पिक्चर्स क्लू दिए हुए हैं और आपको वर्ड्स भी दिए हुए हैं। देखो, दीज आर द वर्ड्स गिवन टू यू फॉर योर आंसर एंड वी विल चूज करेक्ट वन फ्रॉम दीज ब्रैकेट्स। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्रो इज एट द, वेयर इज क्रो? सी, इट इज टॉप, टॉप ऑफ द लैडर। नेक्स्ट, द कैट इज एट द, वेयर इज कैट? द कैट इज एट द बॉटम, बी ओ डबल टी ओ एम। आप साथ ही साथ स्पेलिंग भी लर्न कर लें, आपको अपोजिट वर्ड्स भी लर्न करने हैं और इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। क्लियर? अ स्टोन इज, बट अ फीदर इज। स्टोन कैसा होता है फीदर से? स्टोन बेटा हैवी होता है, H E A V Y, heavy। स्टोन कैसा होता है? हैवी होता है। बट अ फीदर इज लाइट, L I G H T, लाइट। गॉट इट? नेक्स्ट, द रेड रिबन इज, सी रेड रिबन इज लॉन्ग और शॉर्ट में से बताना है, आप बताइए रेड रिबन लॉन्ग है या शॉर्ट है? लॉन्ग है, सो वी विल राइट हियर लॉन्ग। बट द ब्लू रिबन इज शॉर्ट, आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। ग्रैंड मदर इज, बट डैडी इज, ग्रैंड मदर इज ऑफकोर्स ओल्ड एंड डैडी इज यंग। नेक्स्ट, शुगर इज, सी दीज टू वर्ड्स आर गिवन टू यू, शुगर इज स्वीट बट द मेडिसिन इज बिटर। बिटर मीन्स होता है बेटा कड़वा। गॉट इट? नेक्स्ट, दिस ड्रेस इज ओल्ड बट माय जैकेट इज न्यू। बेटा वी आर चूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से फिल कर रहे हैं हम ये वर्ड्स। Spelling is written here. You can write if you don't understand. If you do have any problem to visibility of answer, you can write from the brackets. Is it clear? Next, the kitchen is, see it is kitchen. Kitchen dirty or clean hai? Dekhiye, kitchen is clean. But my room is dirty. देखो रूम में सामान फैला हुआ है, इधर उधर पड़ा है तो डर्टी। नाउ टर्न द पेज। सी बेटा, इन ग्रामर पोर्शन ऑन पेज नंबर 29, डिस्क्राइब इन वर्ड्स, डिस्क्राइब इन वर्ड्स
are given to you. What is describing word? We are going to study. Read these sentences. ये sentence आपको read करने हैं. Pay attention to the words in color. Color में जो आपको words दिए हो उन पर थोड़ा ध्यान देना है. Pay attention means होता है ध्यान देना. I do not want to run with such a tiny animal, says the lion. That a good joke, says the hare, laughing aloud. देखिए tiny, good, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. नेक्स्ट पेज से बताते हैं. सी बेटा द वर्ड्स tiny एंड गुड डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स तो आपको पता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन्स, जैसे कि एनिमल एंड जोक. ये क्या है? नाउन है. तो इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या? कौन से वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं? टिनी और गुड. अब देखिए डिस्क्राइबर्ड होते क्या है, उनकी डेफिनेशन. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. और कोई आपसे पूछे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं तो यू विल गिव दिस डेफिनेशन. आप ये डेफिनेशन उन्हें बता दोगे. तो एक बार समझ भी लेते हैं बेटा. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नाउन. नाउन के बारे में हमें और भी बताते हैं. ठीक है, लुक एंड रीड. देखिए और पढ़िए. देखिए बिग हाउस, हाउस इज नाउन और वी कैन से इट इज नेमिंग वर्ड. नाउन और नेमिंग वर्ड दोनों का मतलब एक ही होता है. क्लियर बेटा? तो बिग हाउस, स्मॉल कैट, स्क्वायर बॉक्स. तो ये जो वर्ड्स हैं हाउस, कैट, बॉक्स, दीज आर नाउन्स. एंड द वर्ड्स विच आर इन कलर, जो कलर में है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, क्योंकि वो नाउन को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, द वर्ड्स इन कलर आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू. नाउ रीड दीज सेंटेंस. अब ये सेंटेंस रीड करते हैं. द हाउस इज बिग, द कैट इज स्मॉल, द बॉक्स इज स्क्वायर, द बर्ड इज ब्लू. ओह, इधर हमने ये रीड नहीं किया. ब्लू बर्ड, ये दिखा नहीं था. ठीक है, ब्लू बर्ड. चलिए अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फिल करने हैं. यूज द वर्ड्स गिवन ब्लो. आपको ये वर्ड्स दिए हों, इनमें से लुक एट द पिक्चर फॉर क्लूज. क्लूज के लिए आप पिक्चर देख सकते हैं. माई टीथ आर, एवरीवन नोज टीथ कैसे होते हैं? वाइट. ओके, आई लाइक चॉकलेट केक. सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई, चॉकलेट केक. आई बॉट अ बलून. बलून का आपको कलर बताना है, पर्पल, पी यू आर पी एल ई, पर्पल. ठीक है, मिनी इज वियरिंग अ जैकेट. कैसी जैकेट बेटा? रेड. ओके, सी ऑन द नेक्स्ट पेज, रीड दीज सेंटेंसेज, राइट एन इफ द अंडरलाइन वर्ड इज नेमिंग वर्ड. आपको एन लिखना है यदि जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं वो नेमिंग वर्ड्स है. राइट डी इफ इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू. देखिए द रोज इज पिंक, यहाँ पर रोज जो है वो नाउन है. ठीक है, अगर पिंक को अंडरलाइन करते तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता. द बॉल इज हार्ड, और जो हार्ड है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, क्योंकि वो बॉल की बारे में और कुछ ज़्यादा बता रहा है, या बॉल के बारे में बता रहा है. अब देखिए मदर इज एंग्री, तो मदर नाउन है बेटा. वी विल राइट हियर एन. क्लियर, द फिश इज स्विमिंग, फिश इज नाउन. इट इज अ कोल्ड डे, डे नाउन है, डे को डिस्क्राइब कर रहा है, सो इट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. द बैग इज हैवी, हैवी सॉरी बैग नाउन है और हैवी इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो हैवी क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड वेल वॉट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. आपको समझ आ गया होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि रेड पेंसिल, वाइट पेज, ब्लैक लेटर्स, बिग बॉल. ये जो वर्ड्स हैं बेटा ये क्या बताते हैं? नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना, स्टेट, ये सब बताते हैं. कलर, है ना, ये सब बताते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट, जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे ना तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यानी
और लार्ज रूप में मिलेगा, आप थोड़ा और ज़्यादा इसको समझोगे। अभी आप छोटे बच्चे हो तो इतना ही बहुत है आपके लिए। बस आप ये जानिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। मैच ईच क्वेश्चन टू इट्स रिप्लाई, ये कुछ रिप्लाइज दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको, ये देखो रिप्लाइज दिए हुए और इधर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको मैच करना है। तो देखिए दिस इज अ रेड पेन, तो अब हम कहेंगे ये रेड पेन है, तो क्वेश्चन क्या होगा बताइए, क्या होगा क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पेन, तो उसको मैच कर देंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पेन। ओके, द बॉयज आर इन द गार्डन, तो वेयर आर द बॉयज, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, आई एम 8 ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू, आई विल रिटर्न एट 5 o'clock, व्हेन विल यू रिटर्न, बेला इज स्लीपिंग एज शी इज इल, व्हाई इज बेला स्लीपिंग, सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट योर आंसर, ओन आंसर, व्हाट इज योर नेम, यू विल राइट योर नेम हियर, वेयर डू यू लिव, यू विल राइट हियर, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यू विल राइट हियर, सो यू विल डू इट योर सेल्फ एंड आई होप यू आर एबल टू डू इट, आप कर सकते हो, प्रीवियस क्लास में आपको ये सिखाया जाता है। एक बार बता देती हूँ, व्हाट इज़ योर नेम में फुल लिखना है, माई नेम इज़, जो भी आपका नेम है, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, टाइम आपको लिखना है, क्लियर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। Before finishing the video, one exercise is given to you here, so we will find it up. Read the sentences given below, then answer the questions. कुछ questions आपको दिए हुए हैं और ये आपको sentence read करने हैं। बेटा इसको ऐसे, अभी तो आपको छोटे बच्चे हो तो 2 lines ही दी हुई हैं, ऐसे इसको paragraph comprehension कहते हैं, paragraph reading यानी comprehension कहते हैं। comprehension क्या होता है, उसमें आपको एक पैराग्राफ या 4 line या line दी होती हैं, जिस लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और नीचे उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसी में से करने होते हैं, उनके आंसर्स आपको उसी में से सर्च आउट करके लिखने होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ब्रेव लॉयन इन अ फॉरेस्ट, इट वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द लॉयन वॉज वाइज एंड क्लेवर, ऑल द अदर एनिमल्स ओबेड द लॉयन, तो Who was the king of forest? Lion was the king of forest. We will write here. Lion was the king of the forest. Next. What did the other animals do? सारे animals क्या करते थे? तो द अदर एनिमल एनिमल्स द अदर एनिमल्स ओबेड द लायन, ओके बेटा। Next, which words used above describe the lion? Lion को describe करने के लिए कौन से words use किए गए हैं वे? In this sentence, 2 words are used, wise and clever. Okay, बेटा ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, द चैप्टर नेम इज द मैजिक स्केयर क्रो। आप ये रीड कर लेना और जब आप पढ़ोगे इसकी स्टोरी सुनोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, इसको रीड करना होगा। ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।